दोस्तों यहाँ पर अगर हमें अपने एंड्रॉयड टीवी में ऑनलाइन कुछ भी करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने टीवी में इंटरनेट कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपके टीवी में इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पर आप यूट्यूब वगैरह कुछ भी ओपन नहीं कर सकते, यानी आप ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ भी काम यहाँ पर कर नहीं सकते। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने टीवी में इंटरनेट कनेक्ट करना होगा। अगर आपको अपने टीवी में इंटरनेट कनेक्ट करना नहीं आता है तो इस वीडियो को देखकर आप आसानी से अपने टीवी में इंटरनेट कनेक्ट करना सीख सकते हैं। बस आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक मोबाइल चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मोबाइल है और यहाँ पर हम अपने मोबाइल का सबसे पहले जो है मोबाइल का डाटा और हॉटस्पॉट यहाँ पर हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल का डाटा और हॉटस्पॉट यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है। इतना करने के बाद में अब यहाँ पर हमें अपने टीवी में आना है और यहाँ पर हमें अपने रिमोट के बटन को देख लेना है। यहाँ पर हम अप वाले बटन को प्रेस करेंगे। जैसे आप अप वाले बटन को यहाँ पर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको वाईफाई का ऑप्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आपको एक वाईफाई का ऑप्शन मिल जा रहा है। सिंपली यहाँ पर आपको रिमोट के बीच वाले बटन को प्रेस करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक वाईफाई का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर अभी सबसे पहले आपका वाईफाई वाला ऑप्शन जो है वो डिसेबल होगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको इनेबल करने के लिए यहाँ पर रिमोट का जो बीच वाला बटन है यहाँ पर आपको प्रेस कर देना है और वो ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। जैसे वो ऑन होगा और आपका जो नेटवर्क है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसा मेरा मोबाइल का जो नेटवर्क है यहाँ पर दिख रहा है वीवो Y20Z। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर हमारे मोबाइल का जो नेटवर्क का नाम क्या दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल का जो नेटवर्क का नाम दिखा रहा है वीवो Y20Z। यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉटस्पॉट नेम जो है वीवो Y20Z, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है अपने इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपके हॉटस्पॉट पर पासवर्ड सेट है तो यहाँ पर आपको पासवर्ड इंटर करना होगा। तो यहाँ पर पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर आपको दोबारा से अपने मोबाइल पर आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर हॉटस्पॉट पासवर्ड का। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से चेक करके दिखा देता हूँ कि हॉटस्पॉट का पासवर्ड किस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पर आपको वाईफाई वाले ऑप्शन पर टैप करके रखना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको वाईफाई हॉटस्पॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलता है हॉटस्पॉट पासवर्ड का ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद में यहाँ पर आपका हॉटस्पॉट का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यही पासवर्ड आपको अपने टीवी में एंटर करना है। तो चलिए हम पासवर्ड अपना एंटर कर देते हैं। यहाँ पर आपको पासवर्ड गलत एंटर नहीं करना है, तो यहाँ पर हम रिमोट के थ्रू जो है अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे। पासवर्ड आपको गलत एंटर नहीं करना है, अदरवाइज आपके टीवी में इंटरनेट जो है वो कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पासवर्ड कुछ इस तरीके से एंटर कर दे रहे हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको एक एरो का बटन मिल जा रहा है जिसे हम एंटर का बटन भी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको रिमोट के बीच वाले बटन को प्रेस कर देना है और जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तुरंत आपके टीवी में जो इंटरनेट है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे टीवी में जो इंटरनेट है वो कनेक्ट हो चुका। अब यहाँ से हम यूट्यूब वगैरह कुछ भी अगर प्ले करना चाहें तो यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूट्यूब ओपन कर ले रहा हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हमें कुछ भी देखना है तो अब आसानी से हम यहाँ पर देख सकते हैं।